अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने व्यूवर्स हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार लेकिन ईजी और सबकी पसंदीदा है। तो आप लोग भी सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी रेसिपी है जो सी सबकी पसंदीदा है। तो आज जी हम आप लोगों को जो बनाना सिखा रहे हैं वो है नली वाली निहारी। हाँ जी। और निहारी तो मतलब बनती है, हम लोगों ने सिखाई भी हुई है, लेकिन ये जो आज स्पेशल किस्म की निहारी है वो है नली वाली। और ये कैसे बनेगी और ये मज़ेदार सी रेसिपी इस डिश की क्या होगी वो हम जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना एक प्याज ले लिया, घी डाल दिया, ठीक है। तो ये मैंने मसाला लिया बाजार का, शान का निहारी मसाला। निहारी मसाला, ये लहसुन अदरक का कुटा हुआ, ये गोश्त है रान का, जिसे हम लोग कहते हैं मछली का, बोंग का गोश्त भी कह देते हैं इसे। इसकी निहारी बना रहे हैं ये नली की, ठीक है। ये मैं अब ब्राउन करूँगी फिर मैं आपको दिखा। हाँ जी, इसमें ना ये मेरे, हाँ जी, इसमें ना वो पड़ेगा आटा, या आटा भी आप डाल सकते हैं इसमें। अगर आटा नहीं डालना तो कॉर्नफ्लावर भी आप डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं, वो मैं आपको बाद में मतलब ये आप निहारी की थिकनेस के हवाले से हाँ बता रहे हैं। वो बाद में आपको मैं दिखाऊंगी ना, उसके ऊपर फिर अदरक मिर्चें हरी तो वो डाल लेंगे बाद में उसकी सजावट के लिए। अभी मैं आपको ना ये रखने के लिए बता देती हूँ, गोश्त गल जाए फिर उसके बाद बकाया। मतलब निहारी का काम इस हवाले से ज़्यादा है कि इसको पहले गोश्त को हम लोगों ने तैयार करना है और थोड़ा जो इसका हम लोगों ने वो शोरबा कह सकते हैं निहारी। हाँ जी, उसमें फिर आटा वगैरह डालेंगे ना। आटा डालना, ठीक है। हाँ जी, ये मसाला मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो रही है ये जो आज हम आप लोगों को नली वाली निहारी सिखा रहे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और हमारी वीडियो को पूरा देखना कि मज़ेदार सी जो ये रेसिपी है वो कैसे तैयार होती है। तो व्यूवर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हम आप लोगों को जो है नली वाली निहारी बनाना सिखा रहे हैं। उसके लिए जो हम लोगों ने प्याज लिया है उसको हम लोगों ने यहाँ पे ब्राउन करना है। तो यहाँ पर प्याज हम लोग ब्राउन करें और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह ये जो सी है निहारी हमारी तैयार होगी। निहारी मतलब सबको पसंद होती है और इसकी ख़ास बात जैसे कि अभी अभी मम्मा ने आपसे शेयर भी की है कि वो जो आटे को डाला जाता है कॉर्नफ्लोर की थिकनेस के लिए, तो मतलब किस तरह डालना है और वो किस तरह बनेगी, तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें आज देख ली क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने निहारी नहीं बनानी थी लेकिन वो उसके मतलब क्रेज़ी हैं खाने के और उनको आज सीख लेंगे। इसको देखें और इन्जॉय करें, हमें अपनी फीडबैक दें कि जो रेसिपी हम आपको सिखा रहे हैं वो कैसी लगती है आपको। जी, ये मैंने ना लहसुन अदरक भी डाल दिया, ये देखें। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्याज हल्के से ब्राउन किया, उसके बाद हम लोगों ने वही गोश्त जो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था जिसकी हम लोग निहारी तैयार कर रहे हैं वो रान का गोश्त था। हाँ जी, रान का गोश्त, ठीक है। हम लोगों ने उसको इसमें डाल दिया है, इसी दौरान हम लोगों ने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। तो थोड़ा सा शोर हो रहा था इसलिए मम्मा से थोड़ा कवर कर लिया ताकि जो सा वो शोर है और वो थोड़ा सा ज़रा कम हो जाए। इसकी अच्छी से हम लोग मिक्सिंग करते हैं, आपको दोबारा दिखाते हैं। तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से हला लिया, इसी दौरान मम्मा ने ये नमक, आप लोग आपने ये नमक कितना इसके अंदर डाला है? मतलब आधी चम्मच मैंने डाला है, मैंने कहा गोश्त वो फीका फीका ना रह जाए। अच्छा, पकने तो मतलब में ना रच जाएगा बीच में। हम लोगों ने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक का शामिल कर दिया। ये देखिए भूना भी गया है और थोड़ा सा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही उम्दा आ रही है इस वक्त इसकी। हालांकि हम लोगों ने इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, जस्ट हम लोगों ने इसको हल्का सा भुना ही है। हम लोगों ने क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसी दौरान हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला था कि जो इसके अंदर वो जायका है वो चला जाए, नमक का ये फीका सा ना रहे। तो हम लोगों ने इसको भून लिया, खुशबू अच्छी आ रही है। इसके बाद हम उसके अंदर पानी शामिल करके इसे गलने के लिए रख देंगे। हाँ जी, गलने के लिए, बाकी फिर बाद में आपको दिखाएंगे ना इसमें क्या क्या डालते हैं। काफ़ी इसका काम है निहारी तैयार करने का, तो हम लोगों ने इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया है। गोश्त गलेगा ना ये, तो गोश्त गल जाए, इसके बाद बाकी जो स्टेप बाय स्टेप जो ये हमारी निहारी तैयार होगी हम आपको दिखाएंगे। तो आप लोगों ने कहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है। तो हम लोग इसको भुनाई करने के बाद इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं और नली वाली निहारी आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। माशाल्लाह गोश्त जो होना जा रहा है खुशबू बहुत ही उम्दा आ रही है, तो इंशाल्लाह ये निहारी भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। देखिए मैं पानी डाल दूँगी। तो हम लोगों ने जो एक कप है इसके अंदर पानी का शामिल कर दिया। अब हम लोग इसको गलने के लिए रख देना है और जितनी देर हम लोग इसको गलने के लिए रख रहे हैं आप लोग वेट करें और आप लोगों ने हमारे साथ इससे जितना जुड़े रहना है और हमारी वीडियो को पूरा देखना है। ये मैंने ना आधा कप और डाल दिया पानी का, तो तकरीबन हम लोग डेढ़ कप पानी का कह सकते हैं हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है। अब फाइनली इसको हम लोग गलने के लिए रख रहे हैं और फिर हम दोबारा आपको दिखाते हैं। जी, तो व्यूवर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हम आप लोगों को जैसा कि पता है कि नली वाली निहारी सिखा रहे हैं बनाना,
तो यहाँ पर जो हम लोगों ने निहारी के लिए गोश्त रखा था वो तकरीबन गल गया है, बन गया। अब हम लोग इसके अंदर जो से हैं मसाले वो शामिल करने हैं। तो पानी यहाँ पर खुश्क हो गया है और घी भी इसका निकल आया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो इसके अंदर निहारी मसाला, ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो सा निहारी मसाला लिया था उसको हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो अपने घर से स्पाइस भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज की जो सी रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल है और इसका मतलब हर किसी को ये बनानी नहीं आती, लेकिन लोग पसंद बहुत करते हैं कि हम लोग निहारी बनाएं, लेकिन उनको आती नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने ये सिखा दिया। बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें और हमें बताएँ कि आपको जो सी हमारी रेसिपी है ये कैसी लगी है। तो हम लोग यहाँ पर इसे 5 मिनट भून लेंगे। आप इसको 5 मिनट भूनेंगे, ठीक है। इसकी भुनाई हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है और आप लोगों ने देखना है कि जो मज़ेदार सी हमारी निहारी है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयार होगी, क्योंकि आप लोगों को जैसे हम लोगों ने कहा था फिर हम लोगों ने आटा भी डालना है इसकी थिकनेस के लिए, तो आप लोगों ने देखना है वो कब डालना है किस टाइम, क्योंकि बिल्कुल ये बाजार जैसी तैयार हो रही है और आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया, तो मतलब हम लोगों ने मसाला शामिल करने के बाद भूनने के बाद इसके अंदर पानी डाला। हाँ जी, ये ठीक है। मतलब पहले हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में इसके अंदर गोश्त जो है वो पकने रख दिया था नली वाला, क्योंकि नली वाली मरी नहीं आ रही है। उसके बाद हम लोगों ने जब ये पानी खुश्क हो गया गोश्त तैयार हो गया। हाँ जी, ये मतलब कितना शोरबा रखना उसके साथ। अच्छा, पानी डाल दिया है हम लोगों ने। हाँ जी, ये ना अब ना थोड़ा सा और गोश्त गल जाए फिर ना इसमें आटा डालते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए ना गोश्त ऐसे गल गया है, ये देखिए। तो माशाल्लाह खुशबू बहुत इसकी जबरदस्त आ रही है। थोड़ी सी कसर है बाकी गोश्त में, क्योंकि गोश्त को मजीद अच्छी तरह हम लोगों ने गलाना है, तो हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। फिर आपको दोबारा दिखाते हैं ना, तो फिर इसमें ना जो आटा वो शामिल करते हैं। हाँ जी, ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। ये ना मैं डाल रही हूँ, आटा भी आप डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं। मतलब जब हम लोगों ने इसको डाला उस दौरान हम लोगों ने इसको हिलाते रहना है। हाँ, ये हिलाया मैंने क्योंकि नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। सही, मतलब जब भी हम लोग जैसे सूप वगैरह भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग जब डालते हैं कॉर्नफ्लावर तो उसको कंटिन्यूअसली हम लोग उसको हिलाते रहते हैं। हाँ जी, चम्मच को ये देखिए ना, अंदाज़ा कर ले आप, सही है। शोरबा जितना आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से ना थिकनेस कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा करना है जितना भी है, क्योंकि अब ये कच्चा है ना 5-10 मिनट पकाएंगे इसे तो फिर ये पक जाएगा। ये देखें ना काफ़ी गाढ़ा हो गया, तो अब हम लोग इसको पकने के लिए 5-10 मिनट के लिए रख रहे हैं। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी मेन यानी कि आज की रेसिपी का इंग्रेडिएंट था, हम लोगों ने आटा इसके अंदर डाला था इसकी थिकनेस की, क्योंकि निहारी को थिक ही यानी कि आटा डाल कर या कॉर्नफ्लोर डाल कर किया जाता है, तो हम लोगों ने इसके अंदर आटा शामिल किया है। आप लोगों ने सिंपल इस तरह इसके अंदर आटा शामिल करके इसकी थिकनेस को जितना कम ज़्यादा करना है वो कर लेना है। तो अब यहाँ पर इसके अंदर आटा जो है वो कच्चा डला हुआ, तो उसको हम 5-10 मिनट के लिए पकाते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जौन सी हम लोगों ने नली वाली निहारी है उसके अंदर हम लोगों ने आटा शामिल किया था उसकी थिकनेस के लिए, तो वो पक चुकी है। जो आटा है वो भी हम लोगों ने 10 मिनट के लिए पका लिया है, तो जो सालन है वो बिल्कुल, और आप थिकनेस उसकी चेक कर सकते हैं। घी भी तो आ गया, ये बिल्कुल फाइनल हो गई है। हाँ जी, ये ना मैं ना अदरक हरी मिर्च धनिया डाल रही हूँ। ये तो हम लोगों ने जो इसकी गार्निशिंग की है वो है अदरक धनिया और हरी मिर्च के साथ हम लोगों ने की है ये। अब मैं ना आपको ना तो माशाल्लाह इसकी बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, तो ये बिल्कुल फाइनल हो गई है। बस हम लोगों ने इसको डिश आउट करना है और आपको दिखाना है। तो उम्मीद करते हैं कि जो सी आज की हमने आपको रेसिपी शेयर आज हम लोगों ने आपको जो रेसिपी शेयर की है नली वाली निहारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये बस यहाँ पर जो सी हमारी मज़ेदार सी नली वाली निहारी वो तैयार हो गई है, उसको हम डिश आउट कर रहे हैं। तो ये उसका एक फाइनल लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा खुशबू आ रही है। तो हम लोग इसको डिश आउट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की ये रेसिपी है नली वाली निहारी हम लोगों ने बनाना सिखाई है ये आपको पसंद आएगी और आप उसको ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि निहारी पसंद होती है और हमसे रिक्वेस्ट भी की गई थी कि हमें सिखा दें निहारी। तो हम लोगों ने कहा कि चले हम लोगों ने अपने वो लिस्ट में शामिल किया और सब कुछ, तो हम लोगों ने आज आपके साथ शेयर कर दी है। इसी तरह अगर आप लोग कोई और भी रेसिपी सीखना चाहते हैं, कोई आपकी रिक्वेस्ट है, तो वो आप हम लोगों से कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तमाम से जो सी रिक्वेस्ट होंगी वो हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का ही चैनल है और हम लोगों ने आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाया है और ये बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप लोग कुकिंग सीख रहे हैं तो आपको फिर बहुत आसानी होगी, इस चैनल के थ्रू आप बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ झटपट और जल्दी और आसानी से बनने वाली सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डिश आउट किया गर्मा गर्म नान के साथ, इसकी सर्विंग करें और इन्जॉय करें।
तो कुछ अमूमन लोग इसको नाश्ते में भी खाते हैं, आपका जब दिल चाहे आप लोग इसको खा सकते हैं। तो हम लोग अगेन इसकी जो गार्निशिंग है वो कर रहे हैं, धनिया है, हरी मिर्च है और अदरक है, ऊपर से नींबू भी आप डाल के ना खा सकते हैं। नींबू और अदरक के साथ आप इसको रख कर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देख लें इसका आप नली वाली निहारी का फाइनल लुक। तो बहुत ही उम्दा माशाल्लाह शानदार ये लग रही है। तो ये नली भी आप देख सकते हैं और ये जो हमारी निहारी है ये इसका फाइनल लुक है। ये देखें, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है कि बहुत ही मज़ेदार सी ये जो निहारी है ये तैयार हो गई है। तो आप लोग जल्दी से जाएं और यही जो सी आज की हमारी रेसिपी है इसको बनाएं, इंजॉय करें और हमें अपनी फीडबैक दें कि ये जो रेसिपी हमने आज आपको सिखाई है वो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आप लोगों के लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।